एक्स्ट्रा टाइम। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. He has been one of the most impressive among the youngsters in IPL in last couple of seasons. You guessed it right. I am joined by none other than Abdul Samad, whom Sunrisers Hyderabad has retained ahead of the IPL 22 mega auctions. Abdul, welcome. पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप कितना रिलीव हो क्योंकि आपको सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया अलोंग विद उमरान मालिक। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तीन ही प्लेयर रिटेन हुए हैं और जिसमें से मेरा भी नाम है और काफी खुशी हुई थी सुन के जब ये न्यूज आया था और काफी अच्छा लगा। ऑब्वियसली क्योंकि एक आईपीएल ऑक्शन जब भी होता है तो एक टेंशन होता है प्लेयर्स के मन में, तो वो टेंशन शायद आपके पास अभी होगा नहीं क्योंकि यू नो दैट यू आर रिटेन्ड बाय द सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी, तो ये कितना रिलीव है आपके लिए? रही बात ऑक्शन की, अब ऑक्शन की तो कोई टेंशन है नहीं है, रिटेन किया उन्होंने तो ये रिलीव काफी बहुत बड़ा रिलीव है और अब होप है कि ऑक्शन में हमारी टीम बढ़िया बनेगी और इस बार परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा टीम का। फैंटास्टिक। अब्दुल, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा हमसे शेयर कीजिए क्योंकि 2019 में आप सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े थे और पिछले दो सीजन में आपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए ग्राउंड पे, बोथ विद द बैट एज वेल एज विद द बॉल, तो थोड़ा हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पिछले दो सीजन में बीइंग विद द सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज। फर्स्ट सीजन में तो सर जब मेरा डेब्यू हुआ था तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं पहली बार खेल रहा हूँ उस टीम में। इट्स लाइक होम फॉर मी सनराइजर्स हैदराबाद एंड सभी वहाँ पे काफी सपोर्टिव हैं। लक्ष्मण सर थे उस टाइम पे जब मेरा डेब्यू हुआ था, ट्रेवर बेलिस, मुथैया मुरलीधरन एंड ब्रैड हेडन, तो वो सब काफी उन्होंने मेरे को होमली एटमॉस्फेयर दिया था, काफी एंजॉय किया मैंने मेरा डेब्यू सीजन। बस इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, हाउ वाज इट लाइक शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद समवन लाइक केन विलियमसन, डेविड वार्नर, भुवनेश्वर कुमार, इतना दिग्गज क्रिकेटर, सब महान क्रिकेटर है, तो हाउ वाज इट लाइक शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद देम? सर सभी मतलब ड्रीम करते हैं उनको सिर्फ मतलब देखने का, दूर से ही किसी की झलक दिख जाए और मैं बहुत लकी फील करता हूं कि मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद मी पर्सनली कि जो आपको सीखने को मिला से शेयरिंग द ड्रेसिंग विद समवन लाइक केन विलियमसन या डेविड वार्नर या फिर विवियस लक्ष्मण जो कि इस बार आपका मेंटर नहीं रहेगा बिकॉज ही हैज जॉइंड विद द नेशनल क्रिकेट एकेडमी एज द डायरेक्टर, तो क्या कुछ सीखने को मिला ओवर द इयर्स? Got to learn a lot of things from all the legends like David Warner, Kane Williamson and Lakshman sir as well. So the thing I learned that how to stay calm in such a nervous situation and crucial situations. So that's the thing which I learned from them. Brilliant, Abdul. Abdul, obviously a lot of attributes of your success goes to Irfan Pathan bhai, kyunki obviously ne aapko spot kiya tha way back in 2016 aur it has been a dream run for you ever since then, kyunki uske baad aapne Ranji Trophy khela for Jammu and Kashmir, uske baad aapko IPL mein mauka mila, to Irfan Pathan aur abhi bhi wo touch mein rehte ho aap Irfan bhai se? Bilkul sir, I'm still in touch with him and wherever I am today, all credit goes to. और थोड़ा आपको details में बताइए कि कैसा रहा वो सफर जब आप इरफान भाई ने आपको spot किया था और it has been a long time. जब वो आए थे हमारे talent hunt, हमारा camp चल रहा था, तो मैं बिल्कुल एक मतलब normal सा under 19 खेल रहा था, बिल्कुल normal सा player था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को देखा first day batting करते, जब मैं batting कर रहा था उन्होंने बाद में मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा विकेट कैसा है, मैंने कहा विकेट ठीक है, वो विकेट थोड़ा सा स्लो था तो मेरे वहाँ पे शॉट्स लकीली अच्छे लगे, उनको अच्छा लग गया वो, तो उन्होंने कहा तू अगर ऐसी बैटिंग करता रहेगा तो तू बहुत जल्दी इंडिया के लिए खेलेगा, तो उस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जिससे मेरा मोराल बहुत हाई हो गया और उसी से मेरा परफॉर्मेंस आया निकल गया पर। अब्दुल, मेरा अगला सवाल आपका बैटिंग से ही जुड़ा है क्योंकि आपका जो शॉट्स रहता है वो काफी लंबा शॉट्स रहता है कि जो आप छक्के मारते हो तो वो देखने लायक है, तो हाउ डू जनरेट सो मच पावर इन योर शॉट्स, क्योंकि जब भी आपका सिक्स जो बिग हिटिंग होता है तो मींस इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर शॉट्स।
I would say it's all about practice. I hit 100 to 150 sixes daily in the open net. So I think that's the reason. और किसी से आप natural भी होता है? किसी से आप inspired होते हो ये छक्का मारने के जब बारी आती है? सबसे पहले तो पहले मैं जब junior खेलता था तो मैं open करता था. I used to adore Rohit Sharma a lot. तो मतलब उनका जो वो स्टेट शॉट रहता था जो सिर्फ वो टाइमिंग से मारते हैं, मैं वो कॉपी करने की कोशिश करता था हमेशा कि ऐसे ही छक्का मारना है. मैंने आउट भी बहुत बार हो जाता है वैसे. फिर उसके बाद जब मैंने नीचे बैटिंग स्टार्ट करना किया, उसके बाद बहुत सारे हिटर्स मतलब हमारे पास हैं जो MS धोनी, हार्दिक पांड्या और भी मतलब विराट कोहली के भी डेथ में जो बैटिंग रहती है वो भी बहुत बढ़िया रहती है हिटिंग में अगर देखा जाए तो इन सभी की बैटिंग देख के आंद्रे रसेल भी हैं IPL में, उन सभी की बैटिंग से कुछ ना कुछ सीख के वही प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करके तो फिर वो मैच में कोशिश करता हूँ करने की. अब्दुल, आपने थोड़ी देर पहले महेंद्र सिंह माही भाई का जिक्र किया क्योंकि हम सभी जानते हैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. तो बिल्कुल आपका जो रोल होता है कि आप किस डू यू रियली एंजॉय बीइंग गिवन द रोल ऑफ अ फिनिशर, या आप एंजॉय करते हो ये? बिल्कुल सर, एंजॉय तो कहीं पे भी बैटिंग मिले, हमारा काम तो ये है कि इस गेम को एंजॉय करना और अपना बेस्ट देना टीम को. आपको टीम से जो भी जरूरत है आपने उस चीज को करके देना टीम को, मेरा यही मानना है. मगर बात जब आती है फिनिशर की तो वो आप कैसे देखते हो? फिनिशर का सर चांस रहता है, मुझे लगता है वो वहां पे बैटिंग करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि लास्ट के 2-3 ओवर्स में बॉलर्स भी मेन लगे होते हैं और उन्होंने भी काफी प्रैक्टिस किया होता है बचने का. तो मुझे लगता है वहां पे बॉलर ही गलती करता है तो शॉट लगता है, नहीं तो परफेक्ट यॉर्कर पे या परफेक्ट लेंथ बॉल पे तो शॉट मारना मुश्किल है. तो वो सर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम नेट्स में, डेथ में कैसा बॉलिंग होता है वही सर रहता है. और बस अब ऑलमोस्ट मैं एकदम आखिर में आ गया मैं इंटरव्यू का, बस दो सवाल. एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि रणजी ट्रॉफी शुरू होने जा रहा है इस बार क्योंकि पिछले 2 सीजन नहीं हुआ, तो फाइनली ये जो रणजी ट्रॉफी हो रहा है क्योंकि आप IPL खेलते हो मगर ऐसे कई क्रिकेटर है जो IPL में मौका नहीं मिलता है उनको, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? सर आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स एंड गेट योर प्लेस इन सीनियर टीम. तो यही रहेगा सर कोशिश कि अपना बेस्ट दूं, तो बाकी जो भी होगा सर देखा जाएगा. ऑल द बेस्ट अब्दुल. तो ऐसे ही आप अच्छा करते जाए और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपको सीनियर टीम में मौका मिले. एवरीवन वुड आई लाइक टू विश यू कि आपका IPL एक शानदार सीजन रहे. थैंक यू अब्दुल, थैंक यू वेरी मच. Cheers. This is extra time. Extra time.